दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक लाइट की जो कि लैम निसन की एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस तरह के मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखें और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं फिल्म की शुरुआत लॉस एंजल्स में हमें काफी सारे लोगों

ऑफिशियली काम करता है जिसमें वो ज्यादातर एफ बी आई हुए ऑफिसर्स को मुसीबत से बचाने का काम ही करता है और वहां से ट्रेविस आगे बढ़ता है और एक जगह पर सभी लोग एक ऑफिसर को मारने आए होते हैं और वहाँ दो पुलिस वाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं जिसमें सब लोग अंदर से ऑफिसर को उनके हवाले कर देने या कुत्तों को उन पर छोड़ने की धमकी देते हैं और दूसरी तरफ से ट्रेविस घर के खिड़की के पास आता है और वहाँ से वो ऑफिसर जूही से बात करता है जिसमे वो बताती है की किसी ने उन लोगों को झूठी जानकारी दी है वो सभी लोग काफी रेसिस्ट है इसलिए वो लोग उसे मारने आए हैं और वहाँ ट्राविस आसपास की चीजें देखता है और फिर वो लोग जू को मार देंगे ये बोलते हैं और वहाँ जूही उसे बचाने कहती है जिसमें ट्राविस कुछ कर लेगा ये बोलता है दूसरी तरफ सब लोग घर पर उमला करते हैं जिसमें उनके पास काफी सारी गन्स होती है और पुलिस वाले भी डरे हुए होते हैं और फिर ट्राविस आगे बढ़ता है और वो पास के एक जगह से दो सिलेंडर्स लेता है और उसे दूसरे घर में डालता है और फिर एक सिलेंडर को वो एक ओवन पर रख देता है और फिर बाहर आकर एक बोट में बॉम्ब लगा देता है और फिर वो अपनी कार में जाकर इंतजार करता है कुछ देर के बाद बोट में बॉम्ब फटता है और वहाँ सब लोग आते हैं वहीं पर घर में भी ब्लास्ट होता है तब सब लोग डर जाते हैं और बाहर की तरफ ट्रेविस कार लेकर आता है और वहाँ कार से के पास आकर वो जूही को वहाँ से निकलता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं जिसमें जूही ट्रेविस को थैंक्स बोलती है अगले दिन ट्रेविस गैब्रियल के साथ होता है और वहाँ गैब्रियल ट्रेविस के काम की तारीफ करता है जिसमे वो काफी तेज और स्मार्ट है ये वो बताता है उसके बाकी लोग हर काम में डरते रहते हैं लेकिन उनका काम उन्हें डरने की इजाजत नहीं देता ये वो बताता है और वहाँ ट्रेविस बोलता है की जूही काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसने उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया है और वहाँ Gabriel बताता है कि आजकल के एजेंट पहले जितने बेस्ट नहीं है और वो हमेशा सिर्फ ट्रेविस पर ही भरोसा करता है और तब वहाँ खुश होता है कुछ देर के बाद ट्रेविस अपने घर पर आता है और वहाँ अपने कपड़े और जूते रखता है और फिर वो एक बियर और खाना लेता है और अपने रूम में आता है और वहाँ उसकी बेटी और पोती की तस्वीर दिखती है तब वो खुश होता है अगले दिन ट्रेविस की पोती एना के साथ वो दिखता है जिसमे वो उसे लेकर निकलता है और उस जगह पर ट्रेविस एना के बर्थडे के लिए आया होता है और वहाँ ट्रेविस अपनी बेटी अमांडा से बात करता है जिसमें वो बताता है कि उसे एना के साथ ज्यादा वक्त गुजारना है और वहां अमांडा क्या वो रिटायर हो रहा है ये पूछती है जिसमें ट्रेविस दिखता है और वो बहुत ही जल्दी ऐसा कुछ करेगा और, का और वहां कितने एग्जिस्ट है ये ट्रेविस को वो पूछती है जिसमें ट्रेविस कुछ नहीं बोलता और वहां अमांडा बताती है कि उसके दादाजी की तरह आसपास की हर एक चीजों पर नजर रखती है और ये चीजें वो उन्हीं से सीख रही है और तब ट्रेविस इन चीजों की तारीफ करता है और वहां अमांडा बताता है कि ये चीजें उन्हें पागल बना देती है और वहाँ बोलता है, कि वहां से निकलने के रास्ते है और वो हमेशा से अच्छा पिता नहीं बन सका अच्छा न्यूज कंपनी में हमें मीरा और उसका दोस्त जय नजर आते हैं और वहां जय मीरा की स्टोरी पढ़ के बताता है कि सोफिया की मौत एक एक्सीडेंट थी जिसमें कोई भी सबूत नहीं है और वहां मीरा बताती है कि सब लोगों को सोफिया को पसंद करते थे और उसे अंत में लेकर जाने वाले टैक्सी ड्राइवर का कोई भी नहीं है तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है और वहाँ जय को लगता है कि वो कोई इमिग्रेंट होगा और वो लोग ऐसा ही कहते थे और वहाँ मीरा को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो इस बारे में पता लगा कर रहेगी ये बोलकर वो वहां से निकलती है और फिर एक कार में हमें डस्टी नजर आता है जो की काफी डरा हुआ होता है और उसकी कार में उसकी पिस्तौल भी होती है और वहीं पर ऑफिसर उसकी गाड़ी हटाने कहते थे और वहाँ दूसरा ऑफिसर उसकी कार में गंद देख लेता है तब वो उसे बाहर निकलने कहता है और फिर डस्टी बाहर आता है तब ऑफिसर को वो मारने लगता है और वहाँ दो ऑफिसर्स और आते हैं तब डस्टी चारों से लड़

ऑफिसर्स को डस्टी की सारी चीजें रिकॉर्ड से निकाल देने कहता है और उसे लेकर वो एफ के ऑफिस की काम की तारीफ ट्रेविस नहीं करना चाहिए तब ट्रेविस सिर्फ अपने पर ध्यान देने कहता है और वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं और तब ट्रेविस को एक फोन आता है और फिर वो अपने घर पर आता है और वहाँ डस्टी को कार में बांधकर वो अंदर आता है जिसमें एना घर पर आ चुकी होती है और वहाँ ट्रेविस को उसे जाना था लेकिन वो ये चीज भूल चुका था और इसलिए वो माफी मांगता है और अपनी ट्रेविस, को दिखाती है। है। तब ट्रेविस डर जाता है और अगर कुछ भी गलत हो तो वो सबसे पहले अपने दादाजी को बताने कहता है और वहीं पर एना बताती है कि उसकी मां ने कहा था कि ट्रेविस का कम खतरे से काफी भरा हुआ है और वहीं पर एमेंडा आ जाती है और वो एना को संभालती है तब ट्रेविस वहां से बाहर आता है और बाहर आकर वो देखता है कि डस्टी आसाद हो चुका है और वो एक कार में वहां से भाग रहा है। दूसरी तरफ मीरा के बॉस उसके पास आती है और वो बताती है कि सोफिया वाले आर्टिकल्स काफी फेमस हो रहे हैं जिसमें उसने सोफिया की मौत को एक खून का नजरिया दिया था एक आदमी उससे बात करना चाहता है ये वो बताती है और फिर गाड़ी में से डस्टी मीरा से बात करता है जिसमें वो बताता है कि सोफिया की मौत के बारे में उसे बात करनी है और वहाँ मीरा उसे बताने कहती है तब वो पांच मिनट में नीचे मिलने कहता है और वहाँ से डस्टी आगे बढ़ता है तब कार में से ट्रेविस उसके पीछे आता है उससे बचकर डस्टी आगे बढ़ता है जिसमें ट्रेविस उसके पीछा नहीं छोड़ता और दोनों गाड़ी लोगों को बचा बचा वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर मीरा के ऑफिस बाहर डस्टी की गाड़ी पलटी हो जाती है और वहां ट्रेविस भी गाड़ी रुकाता है और वो बाहर आता है जिसमें डस्टी वहां से भागता है तब ट्रेविस भी उसके पीछे भागता है और नीचे मीरा आ जाती है तब डस्टी उसके पास आता है और वहां मीरा उसे क्या पता चला है ये पूछती है और वहां डस्टी को वो ट्रेविस दिखता है तब वो वहां से भागता है और फिर वो वहां से निकल जाता है तब ट्रेविस मीरा को देखता है और वहाँ मीरा डर निकल जाती है और फिर रात को अपने सेफ में एक फाइल कैबरेट रखता है जिसमें उसके घर पर ट्रेविस भी होता है और वहाँ वो बताता है कि डस्टी को अभी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए

वो उन्हें और चीज़ें पता लगाने का कहता है और फिर ट्रेविस एना के ड्राइंग देखता है और वहाँ उसे वो स्ट्रेंजर दिखता है जिससे वो डर जाता है और फिर वो एमांडा के घर के बाहर कैमरा लगाता है और वहीं पर एना और एमांडा आती है और वो दोनों स्कूल से आए होते हैं और वहाँ ट्रेविस उनसे मिलता है और फिर वहाँ एना वहाँ से घर में जाती है और वहाँ एमांडा ट्रेविस को कैमरे के बारे में पूछती है और वहाँ ट्रेविस ये चीज़ उनके सिक्योरिटी के लिए कर रहा है ये बताता है तब एमांडा बताती है कि वो बिना परमिशन के ये नहीं कर सकता क्योंकि वो हमेशा से यही कहता है और इसी वजह से उसकी माँ उसके छोड़कर चली गई और उन्हें लगता था कि उसके पिता के दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वहाँ ट्रेविस बोलता है कि वो ठीक है और वहाँ अमांडा बताती है कि वो बचपन से उनके घर की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा चिंतित था और घर पर कोई भी नहीं आता था लेकिन वो हमेशा डरा हुआ रहता था और उसने उसके दोस्तों के माता पिता पर भी हमेशा से चक किया और उनकी खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश की थी और इस चीज से वो लोग काफी परेशान रहते थे और अब उन्हें शांति से जीने देने कहती है साथ ही ट्रेविस की जॉब उसे पागल बना रही है ये वो बताकर अंदर चली जाती है दूसरी तरफ सोफिया को मारने वाले लोग असल में एफ वाले होते और उनका नाम टॉम और हैरी होता है और वो दोनों ऑफिस में आते हैं और फिर दोनों जाकर गैब्रियल से मिलते हैं जिसमें दोनों उसी के लिए काम करता है और फिर मीरा अपनी ऑफिस में दिखती है और वहाँ वो अपने दोस्त माया से बात करती है जिसमें उन्हें जय खास पसंद नहीं होता और वहाँ माया को डस्टी की जानकारी मिली होती है जिसमें एफ बी वालों ने पागल घोषित कर दिया होता है और वहाँ मीरा उसके बारे में पढ़ती है और वो रात तक यही करती रहती है तब उसके घर पर कोई आया होता है और मीरा से जाकर देखती है जिसमें उससे मिलने के लिए ट्रेविस आया होता है और फिर वो उसे बाहर मिलने कहता है और फिर दोनों बात करते हैं और वहाँ ट्रेविस उसे अपने

अगर डस्टी उसे कॉन्टेक्ट करे तो वो उसे बताने के लिए अपना कार्ड भी देता है तब वहाँ मीरा उसे बाय बोलती है 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 और 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 से ट्रेविस दूसरी तरफ हमें नज़र आता है जो कि अपने घर पर गन्स लेता है टॉम हैरी उसे मारने आए होते हैं तब वो उन पर हमला करता है और ऊपर की तरफ आता है और वहां से भागता है जिसमें दोनों उसके पीछे आते हैं और वहां से गोली बारिश होती है और फिर ऊपर से डस्टी एक पाइप पकड़ता है और वहां से आगे बढ़ता है जिसमें वो लटक कर नीचे आता है और वहाँ टॉम और हैरी उसे देखते हैं लेकिन तब तक डस्टी वहां से भाग चुका होता है दूसरी तरफ ट्रेविस के बारे में जय मीरा को बताती है और वहाँ जाए को ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगी होती है तब मीरा इस बारे में खुद से पता लगाएगी ये बोलती है और वहाँ पर उसे डस्टी का फ़ोन आता है और वो मीरा को एक जगह पर बुलाता है तब ट्रेविस उसका पीछा करता है और वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों एक म्यूजियम में आते हैं और वहाँ ट्रेविस अंदर घुसता है और ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है जिसमें वो सब लोगों को देख रहा होता है और ऊपर काफ़ी सारे लोग जानकारी ले रहे होते हैं और वहीं पर ट्रेविस आकर उन्हें देखता है जिसमें वहाँ पर मीरा दिखती है साथ ही उसके डस्टी भी होता है जो कि उसे जानकारी देता है और डस्टी ट्रेविस को देखकर वहां वहाँ से भाग

डस्टी के फ्यूनरल पर ट्रेविस भी दिखता है और वहाँ गैब्रियल की नज़र उसी पर होती है और फिर नवा से निकलते वक्त ट्रेविस कंफ्यूज होता है और वहाँ गैब्रियल उसके पास आता है और वो बताता है कि डस्टी काफ़ी कंफ्यूज था और वहाँ ट्रेविस बताता है कि वो काफ़ी बेस्ट भी था और वो एक अच्छा ऑफिसर था जिसमें उसने उसकी फाइल पढ़ी थी और वहाँ गैब्रियल बताता है कि अगर उसने अच्छे से उसे पकड़ा होता तो डस्टिया जिंदा होता और फिर वो वहां से निकलता है और फिर ट्रेविस ऐना के साथ उसके घर पर होता है और वहाँ दोनों बात करते हैं और वहाँ एना ट्रेविस के लिए डरे हुई है ये बताती है और वहाँ ट्रेविस बताता है की उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा अच्छी चीजें ही करता है और वहाँ ऐना पूछती है कि क्या वो अच्छे इंसान है जिसमें ट्रेविस हाँ बोलता है दूसरी तरफ डस्टी की मौत से मीरा काफी ज्यादा सदमे में होती है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मीरा अपने घर में होती है और उससे मिलने ट्रेविस आता है और वहाँ मीरा ठीक है ये बताती है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ डस्टी की बातें मीरा ने नोट की होती है और ये ट्रेविस को दिखाती है जिसमें ऑपरेशन यूनिटी के में लिखा गया होता है और ये चीज़ क्या है ये दोनों को नहीं समझती मीरा ट्रेविस को पूछती है की कि वो कितने वक्त से FBI के लिए काम कर रहे हैं है काम कर रहे हैं और उसे लगता था कि ये चीज उसके दिमाग पर असर भी कर रही है जिसमें वो बताता है कि 20 साल का था तब वो के साथ वियतनाम की लड़ाई में था और वहां दोनों साथ में थे जिसमें उन दोनों को एक दिन एक औरत की आवाज आई थी और उन्होंने देखा कि एक सैनिक एक औरत पर रेप कर रहा है तब वहां ट्रेविस ने उसे मार दिया था और वहां से वो औरत भाग गई थी तब ट्रेविस डर गया था लेकिन गैब्रियल वहाँ शांत था और उसने ट्रेविस को वहाँ से निकलने कहा था जिसमें उसने पूरा मैटर संभाल लिया था और कुछ दिनों के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए थे और ऐसे पंद्रह साल बीत गए थे जिसमें उन्होंने बात नहीं की थी और फिर एक दिन उनकी बात हुई जिसमें गैब्रियल एफ का हेड बन चुका था और उसने ट्रेवल को अनऑफिशियली काम पर रख लिया था जिसमें उसे एजेंट को बचाने का काम दिया गया था और इस बारे में वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन बिना पूछे ही काम किया करता था और वहाँ मेरा पूछती है कि क्या उसने कभी किसी का खून किया है तब ट्रेविस मना करता है और फिर वो वहाँ से निकलने जाता है तब मीरा बताती है कि उसके पिता नहीं, नहीं लेकिन उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ा था तब वहाँ के बारे में सोफिया और डस्टी को मरवा दिया और वहाँ गैब्रियल बोलते हैं ट्रेविस को यह नहीं बोलना चाहिए कि वो उसी के लिए काम करता है और वो उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और वहाँ ट्रेविस बोलता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा और वो वहां से निकलता है और वहाँ गैब्रियल के पास उसके हर एक बुरे काम की जानकारी है, है ये वो

दूसरी तरफ ट्रेविस की बात अमांडा से होती है और वो बताती है कि वो एना के स्कूल प्रोग्राम में नहीं गया था और वहाँ ट्रेविस दुखी होता है और वहाँ अमांडा उसे अगले दिन मिलने से मना करती है तब वहाँ ट्रेविस दुखी हो जाता है और फिर वो कन्फ्यूज दिखता है दूसरी तरफ जय अपने काम से घर रात को घर पर जाने निकलता है और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें एक दूसरी गाड़ी उसका पीछा करती है और वहाँ जय अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और वहाँ वो दूसरी गाड़ी देख लेता है और वो अब उसका पीछा करती है तब जय वहाँ से गाड़ी भगाता है और वो कार जय की कार के पास आकर उसे ठोकती है तब वो नीचे की तरफ आता है और वहाँ

मारा गया और वैसे ही सोफिया भी मारी गई थी और वो एक एक्सीडेंट नहीं होगा ऐसा उसे लगता है जिसमें माया बोलती है अगर ये चीज सच है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया तो वो भी मारे जा सकते हैं और फिर हमें ट्रेविस नजर आता है जो कि अमेंडा को फोन लगाता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती और उसके बाहर के कैमरे को वो चेक करता है जिसमें वो खराब हो चुके होते हैं तब ट्रेविस उन्हें घर पर जाकर देखता है जिसमें उन्हें निकाल दिया गया होता है और वहां उसे घर के अंदर कोई भी सामान नहीं मिलता और फिर ट्रेविस जाकर स्कूल में इंक्वायरी करता है जिसमें एना को वहां से निकाल दिया गया होता है और वहाँ से ट्रेविस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती और फिर वो अमेंडा के हॉस्पिटल से जानकारी लेता है जिसमें उसने वहाँ से भी नौकरी छोड़ दी होती है और वहाँ ट्रेविस को कोई भी चीज़ पता नहीं चलती तब वो अपने आदमी को अमेंडा के बारे में पता लगाने कहता है और फिर हमें मीरा घर पर अकेली नजर आती है और वहीं पर कोई आता है तब मीरा चाकू लेकर दरवाजे पर आती है और वहाँ पर माया आई होती है और फिर वो अंदर आती है और दोनों खाना खाते हैं और वहाँ माया बताती है डस्टी कोई भी एफ बी ऑफिसर नहीं है ऐसा उन्होंने दावा किया है और वहाँ उनकी मदद एक ही आदमी कर सकता है ये मीरा बोलती है और वहाँ माया वो कौन है ये पूछती है दूसरी तरफ गैब्रियल निकलता है और वहाँ कहाँ है और वहाँ को कुछ भी नहीं पता ये वो बताता है और वो ट्रेविस को काम पर आने कहता है तब ट्रेविस उसे बोलते हैं कि वो अब उसके लिए काम नहीं करता उसे याद रखनी चाहिए तब ट्रेविस वहाँ से निकल जाता है और फिर गैब्रियल आकर टॉम और हैरी से बात करता है और वो बोलता है कि अगर उनका सच बाहर आ गया तो उन्हें मीडिया का कर सामना करना पड़ेगा और आजकल के जमाने में ट्विटर से भी काफ़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और अब उनके सामने ट्रेविस नाम की एक मुसीबत आ गई है तब वहाँ टॉम उसे मार सकता है ये बताता है और वहाँ गैब्रियल इस बारे में सोचता है दूसरी तरफ मीरा अपनी टीम से बात करती है जिसमें एफ वाले अपने आदमी डस्टी को मारवा देते हैं और वो फिर उसकी टीम से नहीं है ये घोषित कर देते हैं और डस्टी और सोफिया के मौत के बीच में कुछ कनेक्शन है ऐसा होने लगता है लेकिन उन लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है ये माया बताती है और वहाँ मीरा बोलती है कि वो एक दूसरे आदमी की मदद ले गए और वो सच जरूर सामने लाए गए जिसमे माया उसके बाद मान लेती है दूसरी तरफ ट्रेविस बहुत सारे लोगों से जानकारी नहीं मिलती और वो परेशान होता है और, 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 और वहाँ ट्रेविस बताता है कि गैब्रियल काफी बुरा है और वो एफ के पीछे रहकर अपने बुरे कामों को अंजाम दे रहा है और इस चीज का उसे अंदाजा ही नहीं था और वहाँ मीरा उसे गैब्रियल के घिनों ने कामों को सामने लाने कहती है जिसमे ट्रेविस बताता है की अगर वो सामने ट्रेविस के काम भी सामने आ जाएगा और इस चीज में वो फंस सकता है लेकिन वो अभी फिलहाल अपने परिवार को ही बचाना चाहता है साथ ही गैब्रियल सिर्फ पावर का भूखा ही है वो बताता है और वहाँ मीरा बताती है की अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो गैब्रियल काफी सारे लोगों को मारवा देगा और ट्रेविस का काम एजेंट्स को बचाना है जिसमे अगर उसने गैब्रियल को नहीं रोका तो वो डस्टी जैसे दूसरे ईमानदार ऑफिसर्स को भी मरवा सकता है और वहाँ ट्रेविस इस बारे में सोचता है और वो बताता है की उसने गैब्रियल के सामने कभी भी ऑपरेशन यूनिटी के बारे में नहीं सुना और वहाँ मेरा उसे कुछ तो याद करने कहती है और वहाँ ट्रेविस को याद आता है कि गैब्रियल के पास एक सेफ है जिसमें एक ट्राइव है और उसमें वो सभी ऑफिसर्स की जानकारी रखता है और उसमें जरूर उन लोगों को ऑपरेशन यूनिटी के बारे में पता चल सकता है और फिर ट्रेविस अपने घर आता है और वहाँ बाहर उसे टॉम और हैरी की कार दिखती है तब वो अपने घर पर पीछे के रास्ते से आता है और अपने हथियार लेता है और फिर वहाँ पर लाइट होती है तब टॉम और हैरी अंदर घुसते हैं और वो पूरा घर देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और फिर वहाँ म्यूज़िक बजता है तब दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ टॉम नीचे देखता है और वहाँ ट्रेविस उन्हें मोबाइल में से घर की सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है ये दिखाता है और फिर वो अपने गन लेता है और टॉम की गाड़ी को उड़ा देता है और फिर ट्रेविस वहाँ से निकल जाता है कुछ देर के बाद टॉम और हैरी ये चीज़ फ़ोन पर गैब्रियल को बताते हैं और वहाँ उसके घर पर कोई आता है तब गैब्रियल बताता है कि ट्रेविस वहाँ पर आ गया है और वो उन्हें जल्दी से वहाँ पर आने कहता है और फिर वहाँ ट्रेविस उसे देखता है तब वो उसे अंदर लेता है और वहाँ ट्रेविस बताता है कि गैब्रियल ने उसे मारने के लिए टॉम और हैरी को भेजा है और वहाँ गैब्रियल मना कहता है और तब ट्रेविस उसे उसके सेफ़ को खोलने के लिए बंदूक दिखाकर कहता है और तब गैब्रियल जाकर सेफ ओपन करता है और वहाँ ट्रेविस उसे ड्राइव निकाल कर देने कहता है और फिर वो उसे लैपटॉप में लगवाता है और फिर उसे देखता है जिसमें उसे सभी ऑफिसर्स की फाइल मिलती है और वहीं पर मौका देखकर गैब्रियल भाग जाता है है जिसमें बाहर टॉम और हैरी उसे लेने आए होते हैं और वो दोनों अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और फिर वो लोग वहां अंदर जाने निकलते हैं और घर के अंदर ट्रेविस उन्हें देखता है और वो भी तैयार होता है और फिर वो घर में किचन में पानी की लाइन तोड़ देता है और फिर वो सभी लाइट्स को बंद कर देता है और वहां टॉम और हैरी अंदर घुसते हैं तब ट्रेविस उन्हें ऊपर से देखता है और फिर दोनों ऊपर आते हैं और वहाँ एक दरवाजे में म्यूजिक बजता है तब वो लोग दरवाजा खोलते हैं और वहीं पर नीचे आवाज आती है तब नीचे से ट्रेविस उन पर हमला करता है तब दोनों से बचकर वो आगे बढ़ता है और फिर वो नीचे आते हैं और वहाँ ट्रेविस उन्हें निकलने का कहता है जिसमें वो लोग सिर्फ गैब्रियल को ऑर्डर मान रहे हैं ये बताता है और वहाँ दोनों उसकी बात नहीं सुनते और वो लोग उसे मारने आते हैं तब ट्रेविस उन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट से वो लोग बच जाते हैं और फिर वो लोग किचन में आते हैं और वहाँ ट्रेविस टॉम को पकड़ लेता है और फिर वो उसे मारने जाता है और वहीं पर हैरी आता है तब ट्रेविस वहाँ से भागता है और वो बच बच कर आगे बढ़ता है और वो किचन में एक वायर डालता है और वह वहाँ से गोलियाँ चलाता है तब वहाँ टॉम और हैरी उठते हैं और वो दोनों पानी में आगे आते हैं और वहाँ गोलियाँ चलाते हैं और वहीं पर बचकर ट्रेविस अंदर घुसता है और फिर दोनों आगे जाते हैं और वहीं पर ट्रेविस लाइट शुरू करता है और उससे टॉम और हैरी को पानी में करंट के झटके लगते हैं और वहीं पर दोनों मारे जाते हैं और फिर ट्रेविस लाइट बंद करता है और वहां से नीचे आता है और फिर वो दोनों को देखता है और फिर वहां से आगे बढ़ता है कुछ देर के बाद एक होटल में मीरा छुपकर आती है और वहाँ अंदर ट्रेविस घायल होता है तब मीरा उसका इलाज करती है अगले दिन सुबह वहां पर माया आती है और वो अंदर घुसती है तब ट्रेविस उसे बंदूक दिखाता है और वहीं पर मीरा आकर बताती है कि वो उसके दोस्त है तब ट्रेविस शांत होता है और फिर मीरा और माया अंदर आती है कुछ देर के बाद वहाँ पर ट्रेविस को पता चलता है कि अमांडा और रैना को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डालकर छुपा दिया गया है लेकिन वो लोग कहाँ पर छुपे चीज उसे नहीं पता चले और वहाँ होता है की वो लोग सही सलामत है और वहाँ मीरा और माया गैब्रियल्स की फाइल देखती है जिसमें एफ के ऑफिसर्स ने सभी बड़े बड़े लोगों पर नजर रखी थी और अगर कोई दूसरी सत्ता आई तो एफ के इस ऑपरेशन के बारे में उन्हें पता चल जाएगा इसलिए उन्होंने सोफिया पर भी नजर रखी थी और वहाँ ट्रेविस उन्हें डस्टी की फाइल दिखाता है और वहाँ डस्टी बताता है कि वो सोफिया पर नजर रखने का काम करता था और वो कई दिनों से उसके कॉन्टेक्ट में आ गया था और वहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर वो उसे सच बताने वाला था कि वो एक एफ एजेंट है और वो उसका मिशन थी और वहाँ मीरा समझ जाती है कि सोफिया को अगर ये चीज पता चले तो एफ वाले खतरे में आ सकते थे इसलिए उन्होंने सोफिया और डस्टी दोनों को मरवा दिया दूसरी तरफ गैब्रियल अपने ऑफिस से घर पर जाने निकलता है और उसके काल असर में ट्रेविस चला रहा होता है और वो बोलता है कि उसे डस्टी और सोफिया के बारे में पता चल गया है जिसमे उसे ने दोनों को मरवा दिया था और वो ऑपरेशन यूनिटी के बारे में

बाद एक जगह पर एक कार में ट्रेविस आता है और वहाँ आकर वो एनास को बुलाता है और वहाँ एना और अमांडा आकर ट्रेविस से मिलते हैं और वहाँ पर एना बताती है की अब उनका पीछा कोई नहीं कर रहा और वहाँ अमांडा को लगता है फिर ट्रेविस के चलते उन लोगों को वहां पर लाया गया था और वहाँ इस चीज के लिए माफी मांगता है और तीनों खुश होकर घर में जाते हैं कुछ दिनों के बाद मीरा ने गैब्रियल के सच को एक्सपोज किया होता है और उसका आर्टिकल माया पढ़ रही होती है जिसमें वो लोग खुश होते हैं और फिर मीरा और ट्रेविस बात करते हैं और वहाँ ट्रेविस मीरा को उसके बारे में नहीं लिखने के लिए थैंक्स बोलता है और वहाँ मीरा उसके बिना ये नहीं कर सकती थी ये बताती है और दोनों खुश होते हैं और फिर ऐना आकर ट्रेविस की मदद मांगती है और फिर दोनों पतंग उड़ाते हैं और वहाँ एमांडा उन्हें देख खुश होती है और वो आकर ट्रेविस से बात करती है और वो अपडेट पर जा रही है ये बताती है और वहाँ ट्रेविस खुश होता है और वहाँ एमांडा उसे ऐना का ध्यान रखने कहती है जिसमें hmm. ट्रेविस खुश होता है और वहाँ एमांडा हंसती है जिसमें आखिर में ट्रेविस ने उसका भरोसा जीत लिया होता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एम एक लाइक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना बोले और हमारे वीडियो आपको कैसी लगे और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया